नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एपीओ रेलवे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एचआरएमएस के माध्यम से पीएफ कैसे विड्रॉल करते हैं। आप लोगों ने एचआरएमएस में बहुत सारी मेहनत किया है, आप लोगों ने अपना पूरा डाटा सही कर लिया है। अभी ईएसएस के माध्यम से आप लोगों ने जो कमियां थी उसको भी आप लोग सुधरवा रहे हैं या सुधरवा चुके हैं, सही करवा चुके हैं। अब हम लोग अगले अगले एडवांस स्टेप हम लोगों का शुरू हो गया है। आप लोगों ने पास लेना भी शुरू कर दिया है। अब रिटायरमेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका भी पास एचआरएमएस के माध्यम से ही हम लोग देना शुरू कर देंगे जल्द ही। उसके बारे में हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ेगी शुरू में, लेकिन उसके बाद की पूरी प्रोसेस सामान्यता आपके जैसे ही है, उसमें कोई नया वो नहीं है। जैसे आप पास के लिए आवेदन करते थे वो भी वैसे ही पास के लिए आपने इतना मेहनत किया। एक तो पास आप लोग लेने लगे हैं, पास में भी कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सिस्टम जो है सही कर लेगा अपने आप को। आप लोगों को मैंने बोला कि पीएफ कैसे पैसा विड्रॉ करेंगे। दूर दराज हमारा जो इलाहाबाद मंडल, प्रयागराज मंडल है, ये मुगल सराय के से लेके लगभग गाजियाबाद दिल्ली तक हमारा सेक्शन है। ये बहुत ही लंबा सेक्शन है। कर्मचारी को एक एप्लीकेशन देने के लिए पीएफ के लिए यहाँ तक आना पड़ता था या अपने ऑफिस में जमा करना पड़ता था, जो भी कारण है, लेकिन उसको बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी। उसको ये तक नहीं पता रहता था कि उसका पीएफ में कितना बैलेंस है, आरएसएस के में भी नहीं पता चल पा रहा था। अब ई आपका जो एचआरएमएस आ गया है, एचआरएमएस के माध्यम से कर्मचारी के पास कितना पीएफ है वो पूरा पता चल जाएगा। क्योंकि आई पास का और एचआरएमएस का कुछ चीजों में लिंक हो चुके हैं, कहीं कहीं नहीं हुए हैं पर ज्यादातर जगहों पे हो चुके हैं। आई पास का डाटा हम एचआरएमएस में लेने लगे, एचआरएमएस का डाटा हम आई पास में पोर्ट करने लगे हैं। आप जब प्रमोशन करेंगे तो प्रमोशन ऑर्डर जो है आप किससे निकालेंगे, एचआरएमएस से निकालेंगे। उसके बाद डाटा ऑटोमेटिक आई पास में भी पोर्ट हो जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड में आपकी एंट्री हो जाएगी। लीव रिकॉर्ड भी आपको फीड करना है एचआरएमएस में। जब आप लीव रिकॉर्ड फीड कर देंगे, लीव रिकॉर्ड आपका सही हो जाएगा, तो लीव इनकैशमेंट जो आप लेंगे वो भी इसी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन छुट्टी के लिए भी देंगे, लीव इनकैशमेंट के लिए भी देंगे। आप कहीं भी बैठे रहें और वहां से आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं अपना खाता। आज मैं आप लोगों को पीएफ कैसे निकालते हैं एचआरएमएस उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने ईएसएस में पहले बताया था कि आप जाएंगे अपना एचआरएमएस लॉगिन करेंगे। एचआरएमएस लॉगिन करने के बाद आईआर एचआरएमएस ईएसएस पे जाते थे, उसी तरह से यहां पर भी जैसे आपके पास आईआर एचआरएमएस ईएसएस के नीचे एक मेनू बना है, वो है लोन एंड एडवांसेस। जब लोन एंड एडवांसेस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां पे आएगा माई पीएफ एप्लीकेशन। जब माई पीएफ एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक पूरा बॉक्स बन के आ जाए, इसमें लिखा है पीएफ ऋण आवेदनों की सूची लिखा है। वहां पे एक कॉलम जिस तरह से आप लोगों ने पास लेने लगे थे, पास में न्यू एप्लीकेशन लिखी थी, सेम वैसे ही यहां पर भी न्यू एप्लीकेशन लिखी रहेगी। जैसे ही न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका पूरा बायोडाटा जो भी आई पास में फिट था या एचआरएमएस में फिट था, जैसे आपका बैंक खाता, आपका पे या आपका सैलरी अकाउंट, जो भी चीजें आई पास में थी वो डाटा आई पास से आया है, और जो आपका और सारी चीजें हैं जो एचआरएमएस सामने फिट किया वो एचआरएमएस का डाटा एचआरएमएस में आया है। कहने मतलब दोनों के डाटा मिक्स है यहाँ पर, ठीक है, जो जहां पे जरूरत है वहां से डाटा उसको पोर्ट किया गया है। क्योंकि एचआरएमएस में हमने तो पीएफ फिट नहीं किया है, एचआरएमएस में जो भी पीएफ डाटा है वो आई पास से ही पोर्ट किया गया है। आई पास से वो डायरेक्ट लिंक ऑनलाइन है, वहां पे डाटा आई पास में आपका फिट होगा तो यहाँ पे आपका पीएफ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब हम इसकी प्रक्रिया समझते हैं कि पीएफ एप्लीकेशन की मेन प्रक्रिया कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एचआरएमएस में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद
जो है लोन एंड एडवांसेस पे जाएंगे, वहां पर माय पीएफ जो है एप्लीकेशन रहेगी। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास पूरी एक मेनू आ जाएगी, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, आपके बिल यूनिट आ जाएगी, आपका बैंक डिटेल आ जाएगा, ठीक है। यदि आपने पहले से कोई पीएफ ले रखा है या पेंडिंग है उसकी डिटेल आ जाएगी। आने के बाद सबसे नीचे लिखा रहेगा पीएफ ऋण आवेदन विवरण, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं लोन एप्लीकेशन डिटेल। इसमें आवेदन का प्रकार, मतलब आप जो विड्रॉल कर रहे हैं वो किस प्रकार, फाइनल विड्रॉ कर रहे हैं या टेम्परेरी विड्रॉ कर रहे हैं। यदि फाइनल विड्रॉ करेंगे तो आपके रिकवरी के संबंध में कोई इंस्ट्रक्शन मतलब नहीं है कि आप रिकवरी, आपको तो करना नहीं, जमा करना नहीं पैसा, तो उसका विवरण इसमें नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपने टेम्परेरी कर दिया तो उसमें पूछेगा आपसे कि आप कितने किस्तों में जमा करेंगे, आपने कितना लेना है, मतलब पूरा आपका डिटेल जैसे आप फॉर्म भरते थे वही करना है। कर्मचारी को यहाँ पे मैंने बताया कि जो मैनुअल जो प्रिंट आउट लेके आता था कर्मचारी, उसको कर्मचारी को यहाँ पर नहीं लाना है, उसको सर्विस अपना जो डिटेल है वो वेरीफाइड नहीं करवाना, क्योंकि ऑलरेडी एचआरएमएस में सर्विस वेरीफाइड है। कर्मचारी को अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं जाना है, इसलिए कि उसका जो है कितना पीएफ बैलेंस है, कर्मचारी को अपने ऑनलाइन एचआरएमएस में ही उसका पीएफ पता चल जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है वो उसको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को मेरे, मतलब कर्मचारी अपने बैठे बैठे ऑनलाइन एचआरएमएस में डाटा फिट कर देगा। यदि उसको मैरिज के लिए चाहिए तो उसको कितना पैसा मिलेगा वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपको बता देगा, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो बता देगा। घर बनवाने के लिए कितना पैसा लेना है आपको, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे मेनू में आपको कंप्यूटर में कैलकुलेशन साथ बता देगा और फार्मूला भी लिखा रहेगा कि आपको ये कैलकुलेशन किस अनुसार किया गया है। कर्मचारी एप्लीकेशन ऑनलाइन फीड करेगा, फीड करने के बाद ये प्रयागराज में हमने सेंट्रलाइज कर दिया है, कर्मचारी एप्लीकेशन फीड करेगा, सबमिट कर, जैसे सबमिट करेगा वो पर्सनल ब्रांच में आ जाएगा। पर्सनल ब्रांच में EG1 जो पहले आपका सेक्शन डील करता था वहीं पे जाएगा। वहां पे जाने के बाद वहां पे डीलिंग क्लर्क है, पीएफ डीलिंग क्लर्क उसको हम बोलते हैं, पीएफ डीलिंग क्लर्क उसको चेक करेंगे, जैसे कि डीसी नॉर्मल डीसी चेक करते तो वैसे ये भी चेक करेंगे। यदि ओके है तो आगे अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड कर देंगे, ये सुपरवाइजर को लगता है कि सही है ओके है तो सुपरवाइजर अपने ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब पीएफ सेंक्शनिंग अथॉरिटी, पीएफ सेंक्शनिंग अथॉरिटी या डीपीओ साहब या एपीओ जो भी हैं उसको सेंक्शन करेंगे। सेंक्शन करने के बाद वर्तमान परिपेक्ष में अभी क्या है कि हमें इसको प्रिंट आउट लेके साइंड कॉपी, क्यों डिजिटल साइन होंगे एपीओ डीपीओ साहब के, जब साइंड कॉपी उसको हम प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट निकालने के बाद उसको अकाउंट्स में जमा करेंगे और फिर अकाउंट्स आपको जो है आपके खाते में पैसा भेज देगा। हो सकता है कि अगले महीने ये भी ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाए कि हम यहां से प्रोसेस करें और सीधा वो जो है अकाउंट्स क्लर्क के पास पहुंच जाए। लेकिन वर्तमान में जो आप हमें एप्लीकेशन देते थे, आपको एप्लीकेशन हमें नहीं देना है, फिजिकल एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन देना है। जैसे सेंक्शन हो जाएगी एचआरएमएस में उसका प्रिंट आउट पर्सनल डिपार्टमेंट निकालकर फिर अकाउंट्स में जमा करेंगे। मतलब यह हुआ कि पर्सनल को प्रिंट आउट निकालना है, अकाउंट्स को जमा करें, अकाउंट्स का कोई अकाउंट्स को जैसे पहले प्रक्रिया चलती थी अकाउंट्स की वैसे ही अकाउंट्स करेगा। अकाउंट्स की प्रक्रिया में अभी तक कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से मैंने फाइनल एप्लीकेशन फिट किया, फिर किस लिए हमें चाहिए। यहाँ पे मेनू है, उस मेनू में पूरा आ जाएगा कि विड्रॉल रीजन, किस लिए आप पैसा निकाल रहे हैं उसका पूरा रीजन आ जाएगा। रीजन करने के बाद जैसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसकी अधिकतम एलिजिबिलिटी के बारे में कंप्यूटर बता देगा कि अधिकतम कितने एलिजिबल है, कितना आपको पैसा निकालना है, ये पूरा कैलकुलेशन बना हुआ है। मान लीजिए कर्मचारी को, ये देखिए हमने सेलेक्ट किया फाइनल पे, फाइनल के जाने के बाद ये कितना पैसा मिल सकता है, कितनी राशि मिल सकती है उसका जिक्र आ जाता है,
ये कैलकुलेशन किस आधार पे किया गया है उसमें भी देखिए कंडीशन वन कंडीशन टू लिखी हुई है, दोनों कंडीशनों के आधार पे उसको मैक्सिमम तय किया गया है, और जो अप्लाइड अमाउंट है वो इतने जो अमाउंट अधिकतम है उससे कम होगी। करने के बाद आपको टिप्पणी लिखनी है कि आप जो पैसा ले रहे हो किस लिए ले रहे हो। करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। कर्मचारी को क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक पीएफ हो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके आधार पर आप चेंज कर सकते हैं। आपको चेंजिंग के लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आपके कंप्यूटर पे ही आपको पूरा दिखाई देगा कि आपकी एप्लीकेशन किस स्तर पे कहां पर सेंक्शन हुई या नहीं हुई है, डीलर के पास पेंडिंग है या सुपरवाइजर के पास पेंडिंग है या ऑफिसर के पास पेंडिंग है, वो आपको पूरी स्थिति के पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। सेवर ड्राफ्ट पे आप सबमिट करेंगे, जो नॉर्मल हम लोग जैसे सबमिट करते थे, डीसी सबमिट करते थे, आप लोग सबमिट किसी दूसरे पास के सबमिट करते थे, यहाँ पे आपको दूसरा ओटीपी पूछेगा, तो ओटीपी आप दोबारा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपके पास जो है सबमिट हो जाएगा ये एप्लीकेशन आपकी। एप्लीकेशन जैसे सबमिट हो जाएगी आप देखिए फिर माय एप्लीकेशन में जाएंगे, आपके यहाँ नीचे पूरा एक डिटेल आ जाएगा। मान लीजिए आपने गलती से पीएफ एप्लीकेशन वो भेज दिया है, सबमिट कर दिया है, आपसे कुछ बदलाव चाहते तो आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे आपने पास एप्लीकेशन आपको नहीं लेना था, ये गलती से आपने कहीं दूसरी जगह ले दिया था, आप वहां से भी विड्रॉ कर सकते थे पास में भी, सेम वही प्रक्रिया यहां पर भी है, आपको इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और आपकी स्थिति पूरा दिखाई देगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपने कब किया है, किस स्थिति फाइनल है या टेम्परेरी है, आपकी स्थिति में क्या है, मतलब पूरा डिटेल आप यहाँ से आपको चेंज होगा। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको वीडियो बनाया है, एक कर्मचारी को सिर्फ इतनी ही जरूरत है, कर्मचारी के अनुसार ही मैंने बनाया है, मैंने डीसी या समझिए पीएफ सेंक्शनिंग अथॉरिटी या उनके अनुसार नहीं बनाया है। कर्मचारी को सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा पीएफ पर्सनल डिपार्टमेंट अपना प्रिंटआउट ले जाएगा, प्रिंटआउट अकाउंट को देगा, और पर्सनल की हेडेक है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ सेंक्शन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि कितने अमाउंट सेंक्शन हो गई है। यदि अमाउंट पास हो जाएगा तो अमाउंट पास होने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगी और आपका जो है अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मेरे हिसाब से अब आप लोग जो पीएफ की एप्लीकेशन है या प्रोसेस जो भी आपके पास पेंडिंग है या आप लोग लेना चाहते हैं, आप लोग इसी एचआरएमएस के माध्यम से आप लोग आइए और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का काम तुरंत हो जाए। क्योंकि अभी कर्मचारी को जो एप्लीकेशन भरने में दिक्कत पड़ती थी, परेशानी पड़ती थी, अब कर्मचारी को मात्र यहाँ पर टेम्परेरी या फाइनल लिखना है, उसका रीजन किस लिए ले रहा है और कितना अमाउंट ले रहा है, कर्मचारी को तुरंत पता चल जाएगा उसका कितना एलिजिबिलिटी बन रही है और कितना उसके पास पीएफ है। ये सारी चीजें आपको एचआरएमएस में दिखाई पड़ेंगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी समस्या हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर बनी हुई है, आप उस हेल्पलाइन पे फोन करिए, हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं जो पूरे सेक्शन में हैं, उन वेलफेयर इंस्पेक्टरों से आप बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे, या मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट्स करिए, वहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपने देखा होगा आपके जो भी समस्याएं थी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आप लोगों को मेरा वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि पीएफ कैसे निकालते हैं ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से। धन्यवाद।